आपको जरूरत क्या है बयान देने की कि पाकिस्तान वरना बांग्लादेश में खेलेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आईसीसी को मैनेज कर रहे हो भाई, आप मैनेजर आईसीसी हो। अबे तू अपनी सलवार में टांगे डालना साले, तू हर सलवार में टांगे क्यों डाल रहा है? दो टके के आदमी साले, ऐसी भी तेजी तेरी, तू होता कौन है पाकिस्तान और इंडिया के मामला में बोलने वाला? रबिश चला के फिर उसका मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करते यार, हमने रबिश गार्बेज चलाया, मतलब बैठ जाते हैं आराम से सुकून से, विच इज सो बैड। मतलब एज ए जर्नलिस्ट अगर आप पे गलत स्टोरी चलेगी तो आप एक्सेप्ट करोगे हाँ यार मैंने गलत स्टोरी चलाई? नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई। बांग्लादेश को बना दो, किसको जिसको जो बनाया, बीसीसीआई सोर्सेस कोट कर दो, पीसीबी सोर्सेस कोट कर दो, यार ऐसे नहीं होता। ये टीआरपी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की तो दोनों बोर्ड इस हकीकत को जानते हैं, इन तमाम मनी मेकिंग, मगर खेल का भी एक ऑनर होता है। ये दो टके के लोग आकर अपनी सियासत चमकाने के लिए, जिनका काम बोलना सिर्फ आईसीसी में, अबे तेरे से मशवरा मांगता कौन है? यानी बांग्लादेश में अगर वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान के मैचेस, तो बीसीसीआई इस पर एतराज क्यों उठा रहा है या उठाएगा? पहली तो उसकी ये वजह आ गई जो बीसीसीआई पेश करने जा रहा है, वो ये करने जा रहा है कि भाई होस्ट हम है, होस्ट हम है, तो ये तो पाकिस्तान हमसे बड़ा होस्ट बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान 9 के 9 मैचेस, और चलो अगर सेमीफाइनल में जाता है तो 10 मैचेस, और अगर फाइनल में जाता है तो 11 मैचेस एक ही वेन्यू ढाका में खेल लेगा। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब ये नए स्तर पर पहुंच गया है। पीसीबी के पूर्व सीईओ और मौजूदा समय के आईसीसी जनरल मैनेजर वसीम खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अपने मैच खेलने के लिए न्यूट्रल ग्राउंड संभवतः बांग्लादेश को चुनेगा। पाकिस्तान विश्व कप में अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा। ये बयान भारत में एशिया कप में न्यूट्रल ग्राउंड पर खेले जाने की सहमति के बाद आया है। इससे पहले भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। साल 2023 में खेले जाने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। आईसीसी के क्रिकेट जनरल मैनेजर वसीम खान को लेकर पाकिस्तान वसीम खान ने लोकल पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये किसी दूसरे देश में होगा या नहीं, लेकिन एक न्यूट्रल ग्राउंड में खेले जाने की अधिक संभावना है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत में खेलेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मैच भी एशिया कप में भारत के मैचों की तरह न्यूट्रल ग्राउंड पर होंगे। इस बीच आईसीसी के एक अधिकारी ने क्रिकबस से बात करते हुए कहा, बोर्ड की बैठक में बांग्लादेश पर बिल्कुल चर्चा नहीं की गई और भारत में ही विश्व कप के सभी मैच कराने को जोर दिया गया है। वसीम खान के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो मेन आदमी जो है वो वसीम खान साहब जो हमारे सीईओ रहे हैं, अब आईसीसी में वो सीवी स्ट्रॉन्ग करके मैनेजर हो गए। तो बात ये है कि भाई आप मैनेजर हो गए या कुछ भी हो गए, मुझे प्रॉब्लम जो है वो ये है, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये है भाई कि आपको जरूरत क्या है बयान देने की कि पाकिस्तान वरना बांग्लादेश में खेलेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आईसीसी को मैनेज कर रहे हो भाई, आप मैनेजर आईसीसी हो। अबे तू अपनी सलवार में टांगे डालना साले, तू हर सलवार में टांगे क्यों डाल रहा है? दो टके के आदमी साले, ऐसी भी तेजी तेरी, तू होता कौन है पाकिस्तान और इंडिया के मामला में बोलने वाला? यहाँ पर लोग बोलने को तैयार नहीं है। कल आकिब जावेद से जब पूछा किसी ने कि भाई ये बताइए कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा, तो यार आकिब भाई ने सीधी सी बात कर ली कि यार आपको पैसे भी तो चाहिए भाई क्रिकेट चलाने के लिए, और ये सब जानते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अबे तो इसमें चौड़ा बनने की जरूरत नहीं किसी को, ये सोच के यार अगर इंडिया पैसा जनरेट करके क्रिकेट बोर्ड में बांट रहा है तो कोई बड़ा कोई दयालु काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा ईदी हो गया या कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का आश्रम चल रहा है इंडिया में। भाई भाई वो ठीक है, एक बॉडी होती है, आईसीसी भी उसे चार्ज कर रहा है, ठीक है, आईसीसी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसा, तो ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान पैसों के लिए जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा। मगर ये तय करने के लिए दो क्रिकेट बोर्ड है ना, अपने सारे मामले तय करने के लिए तू हर जगह उंगली डालेगा साले, तेरी ऐसी की तैसी है, तू सफाइया कर करके पहले पहले घंटे का इंपोर्टेंट साला तू सीईओ बन गया पाकिस्तान आकर है, पता नहीं क्या तूने मंजन के फिर तू जाकर लोगों को अलग अलग से अपने व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करता था कि जो मसाइल हो, जब सीटें चाहिए हो, जब टिकटें चाहिए हो तो मुझे एसएमएस करना या मैसेज करना, लालच नहीं है तेरे ऊपर? अच्छा इन्होंने ये कहा था ना कि ये पाकिस्तान में साफ ही जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, तू हो अब तू किसके कहने से ब्लैकमेल कर रहा है ये बता पाकिस्तान? आपका ये डोमेन नहीं है कि आप ये बात करो कि पाकिस्तान अपने मैचेस यहाँ खेलेगा। आईसीसी भाई न्यूट्रल बॉडी है, आईसीसी न्यूट्रल बॉडी है, और इसमें जो है आप बात करो और आप जरा चीजों को अंडरस्टैंड करें, और सारी चीजों को आपको समझना ही होगा और आपको ये बातें करनी होगी और इसके अलावा भी बात करनी होगी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो नजम सेठी साहब की कोई आवाज आ रही है? नहीं,
और किसी और का किसी की आवाज नहीं आई, आवाज आ रही है नहीं किसी की, जब कोई आवाज नहीं आ रही तो मुझे हैरानगी इस बात यार। वैसे अभी वर्ल्ड कप के दौरान भी रोहित शर्मा से भी पूछा गया, बाबर आजम से भी पूछा गया, और भी लोगों से पूछा जाता है। हाँ। देखिए जो सेंसेबल आदमी है ना, इवन जो सही आदमी है जो क्रिकेट चाहता है कि दोनों ममालिक क्रिकेट खेले, इवन मैं आज नादिर अली पॉडकास्ट में वो इमरान नजीर का भी सुन रहा था, तो उसमें भी उसने यही कहा कि यार ये तो दो लोगों का दो गज का इशू है। हाँ। ठीक है, जब ये तय कर लेंगे क्रिकेट हो जाएगी, क्रिकेट होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। शाहरुख खान के लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के T20 आई बैट्समैन सबसे जबरदस्त है, तो ये दो राय तो है नहीं, अच्छे बल्लेबाज हैं, जब ही तो फाइनल खेले तीन तीन। हाँ, जब ही फाइनल खेल रहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई के यार अच्छे नहीं है और यू नहीं है और वो नहीं है, और मगर ये कि तीसरा आदमी जिसका काम, अबे तू ऑर्डर बुकर है साले, तुझे बाहर लाइन में खड़े होके इंतजार करना पड़ता है कि दो वोट मीटिंग करके बाहर निकले तो पेपर लोगों के आगे बढ़ा दे। दो नंबर आदमी तू बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ये बात करेगा कि दो टके की बांग्लादेश में जाके खेलेंगे, लालच बेचता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तेरे ख्याल में इस ऑफर के ऊपर, और इसके मुंह में कोई ठूसो साले को पकड़ो, जवान लगाने की आदत हुई भी हरामी को। अरे यार बात ये सबसे बड़ी कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट, अबे हमें दुख होना चाहिए, तेरे को किस बात का दुख है? इंपोर्टेंट बात है कि यार पहली बात आप मुझे बताएं, बीसीबी वर्सेस बीसीसीआई कोई मसला ही नहीं है, ये मसला हुकूमतों का है, जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी वजह से कोई चीज आगे पीछे हो रही होती है, तो आप लोगों को उस पर कोई इशू बनाना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, ये किसी क्रिकेट बोर्ड की जवाबदेही नहीं है, और क्रिकेट बोर्ड का काम है अपने अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना। अब एक खबर है, जब यहां से एक खबर, बेसिकली रमीज भाई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशन थे, आपको पता है, यानी के चेयरमैन थे, तो रमीज भाई ये आवाज लगा रहे थे, ये सदाएं लगा रहे थे कि नहीं अगर इंडिया नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे। अब जब से नजम सेट्टी साहब आए तो आप एक क्रेडिट तो दीजिए कि ना वहां से कोई शोर मच रहा है ना यहां से कोई शोर मच रहा है, तो भाई उसकी मिसाल आज हमें मिल गई, वसीम खान फॉर्मर सीईओ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अब वो जो है आईसीसी क्रिकेट जनरल मैनेजर है, उनका एक कोई एयर वाई चैनल है यहाँ पर, उसमें वो कोई किसी शो में थे तो उन्होंने कोई बात की उसमें, तो वो उनका जो बयान जो उठा मीडिया में फिर जो इस तरह आज प्रेजेंट हुआ, तो उससे तासुर ये मिला कि जी वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा इंडिया में और वो अपने मैचेस किसी और जगह खेलेगा, और बांग्लादेश का इंतखाब भी कर दिया गया है जी, क्योंकि वसीम खान आईसीसी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, तो फिर सबने मतलब उनको फेस वैल्यू पर उनके अल्फाज को लिया। अब मसला ये है कि वसीम खान को जो लोग जानते हैं जैसे कि हम हैं, हमें ये पता है कि यार वसीम खान के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो यूके बॉर्न है, यूके में मतलब सारा उनका वो रहा है, मतलब ज़्यादातर वो यूके में रहें, तो उनको उर्दू पर कोई सही कमांड नहीं है, तो वो कहना मेरे हिसाब से कहना कुछ चाह रहे थे, उन ज़बान से निकला कुछ। बहरहाल जो उन्होंने बोला, जो चीज़ आई सामने, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया इंडिया में, एंड अंडरस्टैंडेबली सो जी, इसलिए क्योंकि जो वसीम खान का बयान था उससे तो ये लग रहा था कि जी पाकिस्तान ने कह दिया कि जी हम तो वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं। अच्छा, क्योंकि वसीम खान पीसीबी में पहले काम कर चुके थे तो एक जनरल इंप्रेशन ये भी हुआ कि जी वसीम खान को जो है पीसीबी वालों ने कहा कि मतलब ये बयान दो तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो इंडिया के ऊपर। उसका रिजल्ट ये निकला कि जी फिर इंडिया में जो है इंडियन मीडिया में वीलॉग्स वगैरह में जो है बीसीसीआई सोर्सेस को कोट करके ये बात सामने आने लगी कि जी जो एशिया कप है वो पूरा का पूरा या तो कतर में होगा या यूएई में होगा वगैरह वगैरह करके, और पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये बात होगी तो फिर पाकिस्तान से भी रिएक्शन आना है, तो पाकिस्तान से जब मैंने पीसीबी में बात की तो यहाँ भी रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन यार आई थिंक व्हाट एवरीवन फॉरगॉट इन दिस एंटायर फिएस्को वाज आर रिजल्टिंग फ्रॉम वसीम खान स्टेटमेंट इज कि जो सेंसिबल अप्रोच ली है कैसे बोलते हैं अपना नजम सेठी ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने सेंसिबल अप्रोच ली थी अभी जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर से मिले और आईसीसी की मीटिंग अटेंड करने गए थे, तो उन्होंने अच्छा ये भी चीज़ ये इंडियन मीडिया में रिपोर्ट होनी कि जी कोई प्रपोजल नहीं दिया पाकिस्तान ने, चले मैं आपको बिल्कुल 100% कह रहा हूँ क्योंकि मैंने रिकन्फर्म किया आज फिर इस वीलॉग को करने से पहले मैंने फिर रिकन्फर्म किया पीसीबी में, तो बिल्कुल वहाँ पर नजम सेठी ने एक प्रपोजल फ्लोट किया एसीसी मेंबर्स को, उन्होंने कहा कि देखें यार इंडिया नहीं आ सकता पाकिस्तान खेलने के लिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हमारे लिए एशिया कप कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने करनी है 2025 में, तो वी कांट लेट द एशिया कप गो। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा कि भाई एशिया कप के जो हमारे मैचेस हैं और जो मतलब न्यूट्रल मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में करा लेते हैं, इंडिया के मैचेस जो है वो जहाँ चाहे वो खेल ले, यूएई वगैरह में जिस तरह वो कहते हैं वो खेल ले। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वसीम खान के इस ऊटपटांग बयान पर। पाकिस्तानी मीडिया ने वसीम खान के इस बयान की जमकर आलोचना की है और उन्हें ये भी कहा कि वो अपने काम से मतलब रखें, उनको बीसीसीआई और पीसीबी के मुद्दों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी राय में क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आएगा या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।